बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। एक बार फिर हाजिर हाँ, जसमीत भाटिया जी मेरे नाल मौजूद ने, लैंडमार्क इमीग्रेशन के डायरेक्टर ने। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले दिनों के कनेडा ने रज के वीज़ा देना शुरू किया है, एक 5.5, दो 5.5, पी टी ओवरऑल 66 ओवरऑल। इस तो बाद विद्यार्थियों के लिए किस तरह दीआं उम्मीदां ने, जिहड़े मल्टीपल रिफ्यूज़ ने, जिन्हां दा 4-4, 5-5 साल का गैप है, कि उन्हां स्टूडेंट्स के लिए भी एक गोल्डन समा मनिया जा सकता है जदों कनेडा दिल खोल के वीज़े दे रहा है। सवाल ये भी करांगे कि कनेडा आखिर इन्ने ज़्यादा दिल खोल के वीज़े क्यों दे रहा है, एडा वड्डा पॉलिसी शिफ्ट कनेडा ने जिहड़ा की कीता है, कि ये हिडन है हजे तक समझ नहीं आ रहा कि ये पिछे रीज़न की है। आउंदे समय से रीज़न पता लगन गए, पर रिफ्यूज़ स्टूडेंट्स, मल्टीपल रिफ्यूज़ स्टूडेंट्स, गैप वाले स्टूडेंट्स मई या सितंबर या जनवरी इनटेक च अगर रीअप्लाई करते हैं, तो उन्होंने किन्ने चंगे मौके ने इस माहौल दे विच, गोल्डन चांस दे विच। जसमीत जी साढ़े नाल ने। जसमीत जी स्वागत है, सत श्री अकाल। हैलो एवरीवन। जसमीत जी, पहला तो सवाल ये लूँगा कि पॉलिसी शिफ्ट हिडन है कनेडा का, बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल वीज़े की कारण है, समझ नहीं आ रहा किसी को। सो कोई पॉलिसी शिफ्ट हिडन नहीं है। देखो, पहला उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को असी रूल चेंज करांगे। सो जिदे विच उन्होंने कहा कि असी पी टी ई, केएल, टोफल और जिन टेस्ट नू असी इनकलूड करांगे एसडीएस च। सो पहला ही 2 महीने पहला ही क्लैरिटी हो गई सी कि टेस्ट नवे रूल्स आणगे। और कितना कितों मैनू लगता कि आईडीपी नू, जिहड़े कि टेस्टिंग अथॉरिटी है आईलेट्स दी, उन्होंने भी पता सी कि ओवरऑल 6 बैंड होने हैं, ता ही करके काफ़ी सारे कॉलेजेस ने भी एक्सैप्ट करनिया शुरू कर दी सी ओवरऑल 6 बैंड दे नाल एप्लीकेशंस। सो कोई भी मैनू लगता ये कोई हिडन रूल नहीं हैगा सी, सिर्फ इक्को ही चेंज अंबैसी क्लीयर नहीं कर पाई कि पोर्टल साडा अपडेट नहीं होया या पोर्टल अपडेट नहीं होया। पर जे आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं सारे नूं पहले ही कहता सी कि पोर्टल शायद ही अपडेट होए और या फिर तुसी अपनी फाइलां लॉज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी। सो स्टूडेंट्स, मैनू देखा जाए तो ये कोई भी इदा की क्लैरिटी नहीं हैगी जी अंबैसी ने नहीं दिती। पर जो बहुत ज़्यादा रौला पै गया और लोग ट्विटर से जाके बार बार कहन लग गए कि पोर्टल पोर्टल पोर्टल, फिर अंबैसी ने 2 हफ्ते बाद आपे ही अनाउंस करता कि कीप ऑन लॉजिंग योर फाइल्स ऑन द ओल्ड पोर्टल ओनली। सो मेरे हिसाब नाल जिन्नी वोकल कैनेडा हाई कमीशन हैगी है या कैनेडा IRCC हैगी है, होर कंट्रीज़ के नाल असी जे कंपेयर करिए, अज तक USA ने कभी इदा की स्टेटमेंट नहीं दी। अजक ऑस्ट्रेलिया ने भी इन्नी क्विकली कोई स्टेटमेंट नहीं दी, न्यूजीलैंड भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिता। सो सब तो ज़्यादा जो असी कही कैनेडा IRCC प्रोएक्टिव है एंड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स दे कंसर्नड हैगी है। सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ नू जे असी देखिए तो कोई हिडन पॉलिसी पहली गल तो नहीं हैगी। सैकेंडली, वीज़ा सक्सैस रेट इस साल च वैसे ही बहुत वधिया रहा। सो समा सी पिछले साल च जिस टाइम ते बहुत ही डाउन चला गया सी वीज़ा सक्सैस रेट, और इस साल च बहुत अच्छा वीज़ा सक्सैस रेट रहा है। और उससे नू देखदिया होया इस टाइम ते भी वीज़ा नंबर्स जिहड़े हैगे डे बाय डे इनक्रीज़ हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ रियली रियली अ गुड टाइम कि तुसीं की कहिंदे आ इस टाइम ते अपना वीज़ा अपलाई कर सकदे हो। कैनेडा दा एक समा हुंदा जिहदे अंदर असीं अपलाई कर सकदे हां। सो ये एक राइट समा हैगा कि कैनेडा च असीं वीज़ा अपलाई कर सकदे हां, एंड एक राइट टाइम हैगा तुसीं अपनी प्रोफाइल असैस कराओ। देखो, कोई गैप है कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, कोई तुहाडी प्रोफाइल वीक है तां वी कोई एड्डी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं हैगी है, बट एक सही ढंग नाल जे आपां फाइल प्रोसैस करांगे तां आपां नूं वीज़ा मिलन दे चांसेस इस टाइम ते बहुत हाई हैगे हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई इदां दी कैनेडा ने कोई नवीं पॉलिसी लैके आया या कोई लोकां तों छुपाया। सो इदां कुछ नहीं हैगा। बिल्कुल ठीक है जी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट तुसी इनफॉर्मेशन दिती है। हुण रिफ्यूज्ड और रीअप्लाई करने वाले केसेस लिए किन्नी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गैप वाले स्टूडेंट्स के लिए, जसमीत जी? सो अपॉर्चुनिटी देखो बार बार नहीं आती, जिमें कही 2023 अपॉर्चुनिटी छाई पई है और बहुत ज़्यादा कैनेडा च स्टूडेंट्स नू वीज़ा मिल रहा, बट जदों कोई चीज़ ईजीली मिलन लग जाती है ना तो आपां नू लगता है कि ये तो आसानी नाल ही मिल गई। सो जिहड़े बच्चे नू सब कुछ आसानी नाल मिल जाता है उन्हूं वैल्यू वैसे ही नहीं होंदी। सो स्टूडेंट्स, इस टाइम ते जे कैनेडा वीज़ा दे रहा है और आने वाले समय से कैनेडा जो वीज़ा नहीं दूगा, फिर सानू पता लगेगा कि कैनेडा दे वीज़ा दी की वैल्यू हैगी है। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि तुसी अपना वीज़ा जे कोई गैप प्रॉब्लम हैगी तुहाडे केस च, कोई दिक्कत है तुहाडे केस च, तां तुसी अपना वीज़ा जरूर अपलाई करो। ये बिल्कुल सही समय हैगा पर एक राइट गाइडेंस के नाल। सो लैंडमार्क इमीग्रेशन पिछले 16 सालों तो सर्विसिज़ दिता आ रहा और 26,000 तो भी वध पॉजिटिव केसिज
करन दा सानू एक्सपीरियंस हैगा, साडे ऑफिसिज हैगे अक्रॉस इंडिया, तुसी साडे नीयरेस्ट ऑफिस विजिट कर सकते हो। एंड जे असीं गल करदे आ तां लैंडमार्क इमीग्रेशन CICC मैंबर साडे पैनल ते है जसप्रीत कौर, उन्हां तों वी तुसी एडवाइस लै सकदे हो और साडे आउण वाले सैमीनार दा तुसी हिस्सा बन सकदे हो जिथे कॉलेज के नुमाइंदियां नूं तुसी डायरैक्टली मिल सकदे हो। 29 सितंबर नूं साडा सैमीनार है JW मैरियट च, 30 सितंबर नूं साडा सैमीनार है होटल पार्क प्लाजा लुधियाने च, एंड साडा सैमीनार 1 अक्टूबर नूं है होटल माया जलंधर च। जरूर हिस्सा बनो और अपने सारे डाउट क्लीयर करो। चलो, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जी। 90413 90412 इस नंबर से तुसी ज़्यादा जानकारी लई गल कर सकते हो, जसप्रीत जी दे नाल डायरैक्ट संपर्क कर सकते हो, पूरी क्लैरिटी लै सकते हो, तो फिर फैसला करो। थैंक यू सो मच।